कमिश्नर अंकल, मैं काजल बोल रही हूँ। करण का दो दिन से कुछ पता नहीं है, कोई मुझे बताता भी नहीं कि वो कहाँ है। प्लीज हेल्प मी अंकल, कहीं उन्हें कुछ। डोंट वरी बेटा, आई लुक इनटू द मैटर, ओके? मुझे मार के नहीं देता, मारते मुझे। तुझे आसानी से मरने नहीं दूंगा। क्या चाहता है? मैं चाहता हूं तू जिंदा रहे। गुड नाइट। करण का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है, काजल बहुत परेशान है, आप कुछ कीजिए ना। घर जाना है ना, बीवी इंतजार कर रही होगी। ले थोड़ा पी के जा। आप लोग समझ नहीं रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ। गावा फिरोजी ने मुझे पकड़ा और उसी ने मुझे ड्रग्स दिए। और इस रिपोर्ट के अनुसार तुम्हारे अंदर जो शराब पाई गई, वो जब वो मुझे ड्रग्स दे सकता है तो क्या मुझे शराब नहीं पिला सकता? उसने मुझे शराब पिलाई और फिर मुझे गाड़ी में बिठा दिया और फिर मुझसे गाड़ी वो। डीसीपी करण सिंह, क्या आप जानते हैं कि आपकी इस हरकत से फुटपाथ पर सोए हुए लोगों का कितना जानी माली नुकसान हुआ है? वो मैंने नहीं किया, वो गावा फिरोजी ने, उसकी वजह से। सर बस एक बार सर गावा फिरोजी मेरे हाथ में आ जाए ना सर, मैं गावा मर चुका है करण। नहीं सर, वो जिंदा है, तभी तो मैं आप तो मेरी बात। आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं अभी दिखाता हूँ कि वो जिंदा है। चलिए ये फिटनेस सेंटर कब से चल रहा है? 20 years. आप कितने साल से हैं? 7 years. अच्छा, thank you. Welcome. DCP करण सिंह करण, सब ठीक हो जाएगा करण, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। करण, करण मुझसे बात करो ना करण, प्लीज मुझे इग्नोर मत करो करण, प्लीज बात करो मुझसे करण, प्लीज टॉक टू मी करण, लिसन करण, हर चीज के लिए मीडिया को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि उन्होंने सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर या बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की कोशिश की है, क्योंकि उनके सामने भी तो वही फैक्ट्स हैं जो हमारे सामने हैं। सच्चाई सिर्फ एक है, कावा फिरोजी। अफसोस है कि ये सच्चाई तुम्हारे सिवा और किसी को नजर नहीं आ रही है। कावा फिरोजी है सर, वही मुझसे बदला ले रहा है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड करण, गावा फिरोजी मर चुका है और एक मुर्दा क्रिमिनल के लिए तुम्हारा इतना जुनून तुम्हारे खिलाफ सबूत बनता है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब तक इस केस की कानूनी तौर पर पूरी जांच नहीं हो जाती, तुम्हें नौकरी से मुअत्तल करने का हुक्म। यू आर सस्पेंडेड। अर्जुन सिंह सर, आज से इस केस के इंचार्ज आप हैं।
और इसकी पूरी कार्रवाई का जिम्मा आपका है। मुझे आप लोगों से ये उम्मीद न थी। टू हेल्प विद योर इंक्वायरी एंड टू हेल्प विद योर सिस्टर। क्या बात है करण, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं। आई नो, तुम्हें नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया ना। किसने बताया कि मुझे सस्पेंड कर दिया? तुम क्या समझते हो, तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे नहीं पता चलेगा? मुझे अंधेरे में रख के तुम्हें क्या मिलेगा करण? सब कुछ जानते हुए भी सवाल कर रही हो, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद सॉल्व करूंगा। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी हूँ, प्यार करती हूँ तुमसे। तुम्हारी मदद अगर ना भी कर सकूँ फिर भी तुम्हारी फिक्र करने का तो हक है ना मुझे। क्या मिलेगा तुम्हें? फिक्र करती हूँ मैं। फिर तुम ही बताओ कि क्या करूँ मैं, अपनी आंखें बंद करके सब कुछ अनदेखा कर दूँ? उस दिन भी घर से ऐसे चले गए, पता नहीं किसका पीछा कर रहे थे। 3 दिन तुम घर से गायब रहे हो, दिल नहीं मानता है, फिर भी दिमाग 1000 सवाल पूछता है। तो अब सीबीआई के साथ साथ मुझे घर में भी सवालों का जवाब देना पड़ेगा? हाँ, देना होगा। तुम मुझ पर शक करती हो, मुझ पर? तो मैं क्या करूं, तुम्हारी झूठी बातों को सच मान लूं? मुलायजा हो, अर्ज है। कभी अक्का कभी अद्धा कभी पौवा भी पीते हैं, अगर फोकट की मिल जाए तो मटका भी पीते हैं। पकड़ कर ले चले पुलिस वाले मुझे थाने में, मैंने कहा जरा ठहरे हुजूर, मेरे अब्बा भी पीते हैं। बोलो टिकरा, क्या मांगता है? है क्या मांगता है? मैं तुझे मांगने वाला लगता हूँ? अबे तू क्या देगा, मैं क्या लूंगा? तू खुदा है तो मुझसे पूछता क्या मांगता है? हजरत, यह है नकली गुजरात, नशे नशे में हर चेहरा उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। ओए, उल्टी चीज है भिड़ो मत पी, तू इसका आदि नहीं है, बुरी चीज है, मत पी मेरे भाई। मेरी जिंदगी से ज्यादा बुरी तो नहीं? टैक्सी, आज मैं उसकी निकाहों में गिर गया जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं, मेरी काजल। शक करती है मुझ पर, सब उस कावा फिरोजी की वजह से। जिंदा है वो? कावा फिरोजी जिंदा है? जिंदा है वो? कोई यकीन ही नहीं करता। मैं करता हूं यकीन, मैं जानता हूं साहब, गावा फिरोजी जैसे शैतान इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। वो फन फैलाए कहीं ना कहीं अपना जहर उगल रहा होगा, मरेगा, जरूर मरेगा जब तुम उसे मारोगे। तुम उस हरामखोर के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? मैं और मेरा भाई इसके लिए काम करते थे। एक दिन उसने मेरे भाई को मेरी आंखों के सामने मार दिया। उससे इंतकाम लेने के लिए मैंने अपनी मौत की झूठी खबर उड़ा दी, इसलिए भेष बदल बदल कर उस हरामखोर से अपनी मौत को दूर रखता रहा, क्योंकि मुझे भरोसा था कि उस दरिंदे को एक दिन तुम ही मौत दोगे। मौत दूंगा, बस एक बार सामने आ जाए। बहुत जल्द मैं तुम्हें खबर दूंगा कि गांव फिरोजी कहां छुपा हुआ है। बस तुम मीटर डाउन मत करना, टैक्सी बहुत जल्द मिलेगी। और दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। क्या देख रही हो? देखे भी तो क्या देखे तुम्हारे सिवा। साहिब, आपके लिए कोई देकर गया है। क्या?
साहब। क्या हुआ साहब? काजल कहाँ है? साहब वो तो मंदिर गई है। तुम चलो यहाँ से, चलो तुम यहाँ से, कम ऑन। आप लोग क्यों मानेंगे? मैं पागल हूँ ना? सबूत चाहिए ना? अब पता चल जाएगा। देखिए, ये मैं नहीं हूँ, काजल, ये मैं, काजल मैं, ये सब झूठ है, ये सब, देखिए ये सब झूठ है। कमिश्नर जी, ये मैं नहीं हूँ। कमिश्नर देखिए जी, इसे लाए। कमिश्नर ये सब झूठ है, ये मैं, मेरी बात मानिए। काजल, काजल, ये सब झूठ है काजल। देखो काजल, ये मेरा यकीन करो काजल, मैं तुम्हें काजल, पति के घर से एक पत्नी की अर्थी उठती है ना माँ, क्या इस लाश को इस घर में थोड़ी सी जगह मिल सकती है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस ऑफिसर को मैंने महकमे की शान बढ़ाने के लिए बुलाया था वही महकमे की शर्म बन के रह जाएगा, और जिसे मैंने अपने हाथों से डीसीपी का तमगा लगाया था उसे डिसमिस करने का हुक्म भी मुझे ही देना पड़ेगा। करण, अपना आई कार्ड और वेपन सरेंडर कर दो। यू आर डिसमिस्ड।